हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों के स्पिरिचुअल जर्नी को लेके डिस्कस करूंगा। आपके स्पिरिचुअल जर्नी अभी क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और जर्नी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा एंड आप लोगों को पता ही कि वीडियो जब भी देख रहे हो एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इन द सेंस आप लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो वीडियो है खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो रिसेंटली टैरो पे आए हो, रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो एंड रिसेंटली मेडिटेट कर रहे हो, क्रिस्टल्स के उपयोग कर रहे हो। तो लेट्स सी। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, स्कैमर से बचिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैं उतना ज़्यादा पर्सनल रीडिंग एकदम ही नहीं करता हूँ, बहुत ही कम करता हूँ, बट अगर मैं फील करूँगा तब सो यू कैन ऑल कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसके लिंक है मेरे चैनल पे। एंड मेरा जो चार्जेस है वो है वहाँ पे भी मेंशन है, 599 रुपीज़, ड्यूरेशन होगा 1 hour 50 minutes। तो चलिए, एंड ऑल्सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री देन $20, द टाइमिंग ड्यूरेशन विल रिमेन द सेम, 1 hour 50 minutes। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस आ रहे हैं। चलिए, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वंस। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आप अपने पुराने जो संस्कार थे उसको चेंज कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी हद तक ये सब चीज से डर रहे थे, आपको आइडिया भी नहीं था, अभी धीरे धीरे आपको पता चल रहे हैं। अनकंडीशनली प्रे भी कर रहे हो, भगवान को ट्रस्ट भी कर रहे हो। लाइक मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगा, क्वीन ऑफ वंस मतलब सिर्फ छोटे छोटे गोल्स के लिए भगवान को बोलूंगा और दूसरी तीसरी चीज नहीं पूछूंगा, ऐसे स्पिरिचुअलिटी नहीं चलता है। तो एक चीज आप लोग सुनिए, लव लाइफ में अगर आप डिस्टर्ब्ड हो तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाइए। अगर आपके लाइफ में मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, डेफिनेटली आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके लव लाइफ और पैसा या फिर आपके काम को लेके नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब आपके लाइफ और आपके लाइफ के बाद ये जो ट्रांजिशन है इसका ही सब कुछ है। तो क्वीन ऑफ वंड्स मतलब क्या है, आप वो सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो आप, क्या है आपके सोल डीएनए और क्या आपको फिर से जन्म लेना होगा, क्या आप पुण्य अर्जन कर रहे हो, क्या आपको वो जो डिवाइन ट्रूथ है उसको पता चल रहा है, क्या आपको सिद्धि मिलेंगे, क्या भगवान को आप देख पाओगे। तो लिटरली क्वीन ऑफ वंड्स मतलब क्या है, अनकंडीशनली दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पर्सनल लाइफ का जो डिमांड्स है इसको हटा दीजिए, इसको हटाना प्रैक्टिस कीजिए, डिटैच करना स्टार्ट कीजिए, पोजेस करना स्टार्ट मतलब पोजेसिव हो जाना बंद कीजिए। लेट गो करना होगा आपको, बहुत ज़्यादा लेट गो करना होगा, ईगो को लेट गो करना होगा, अमित्व को लेट गो करना होगा। एंड सिमिलरली ये सब चीज़ आप कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग मिस्टिक। मिस्टिक तभी आप होंगे जब आपके अंदर इंट्यूशन ग्रो करेगा और इंट्यूशन तब ग्रो करता है जब आपके मन शांत रहता है और मन तभी शांत हो सकता है जब आप बोलोगे कि मेरे को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को सुख चाहिए, ना मेरे को दुख चाहिए, ना मेरे को खुशी चाहिए, ना मेरे को मिलियन डॉलर चाहिए, आपको सिर्फ भगवान चाहिए, दैट्स इट। सो यही डिवोशंस के साथ आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट किए हो, एक बहुत अच्छे प्रोसेस के अंदर आप आए हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, एट ऑफ वंड्स। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, हम सबका ही ये एक्सपीरियंस हुआ है, एक टाइम पे हम लोग भगवान से बहुत ज्यादा नाखुश थे, हम लोग बहुत उल्टे सीधे चीजों के लिए भगवान के पास आते थे। एंड डेफिनेटली आप मैं हम सब कुछ ना कुछ मिस्टिक चीजें ट्राई किए ही या फिर सुने ही, स्पेल बोलो, मैनिफेस्टेशंस बोलो, और वो करने के बाद हम लोगों को कई आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे रियलाइजेशन आते हैं कि नहीं ये सब वॉक नहीं करते। और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो लोग देखे, बट एक चीज एट ऑफ वंड्स आपको बोल रहे हैं
कि आपके अंदर पावर है, ओके okay? आपको किसी दूसरे पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, आप एक खुद के रिलीजन बनाइए, आपके स्पिरिचुअलिटी यूनिक है, आप खुद के गुरु हो, आपके जो प्रोसेस है ये दूसरे लोगों को वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, आप अपने यूनिकनेस के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब नए आइडियाज आ रहे हैं, नए पैशन आपको एम्ब्रेस करना होगा, नए यूनिकनेस नए पैशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने प्रोसेस का लुप्त उठाना होगा। यानी कि मान लीजिए एक क्विक ग्रोथ आपके लाइफ में आप ले आना चाहते हो, तो अगर आप अपने काम पे ग्रोथ ले आना चाहते हो तो आपको अपने मेंटल हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो आपका काम में ग्रोथ नहीं आएगा। और मेंटल हैप्पीनेस आपको बाहर जाना, टूर में जाना, लव मैसेजेस करना, इस सब में नहीं है। मेंटल हैप्पीनेस तभी हो सकता है जब आप डीप डाउन इन इनसाइड ईश्वर को बुलाओगे अपने मन, जब आप ट्रस्ट करोगे ईश्वर को, कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि आपका एक डिग्निटी है, राइट। मान लीजिए आप अगर किसी पर्सन से बोलते हो मेरे को ना ये चाहिए, मेरे को ना वो चाहिए, मेरे को ना ये चाहिए, तो अगर आपके डिमांड बढ़ता जाएगा तो भगवान के सामने आपकी इमेज कैसा रहेगा। तो लिटरली आप एक चीज बोलो कि मेरे को माया से दूर कर दो, मेरे को मोह से दूर कर दो, मेरे को मेरे इष्ट से मिला दो, मेरे को मेरे भगवान से मिला दो, मेरे को मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर दो, भक्ति बढ़ा दो, एंड आपके अंदर के जो पवित्रता है इसको बढ़ाओ। सो लिटरली एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि सोल सर्चिंग करने स्टार्ट कर रहे हो, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सब नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और आजकल तो सभी लोग ट्विन फ्लेम में आ रहे हैं, सभी लोग। या फिर आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि गीता को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं एंड गीता को सिर्फ नए नए वर्ड्स बढ़ा के उसको एंटरटेनमेंट के एक फैक्टर बना दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र पाठ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको रेगुलर सुनना है, रेगुलर ग्रो करना अगर है तो आपको ओम चैंटिंग रेगुलर करना है। एंड एट द सेम टाइम एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक है कि अपने सीनियर से ये सब चीज पूछिए। अगर आप देखते हो कोई मॉन्क्स है, अगर कोई साधु है, सत्संग है, लिटरली सुनिए ये सब डिस्कशंस। बट अगेन ये मास पीपल को फॉलो मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे गुरुज है, दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर शोइंग अस अ लाइट, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट देम, बट मैं जो चीज बोल रहा हूँ कि अपने इनलाइटमेंट अपने खुद के साथ बनाइए। लाइक यू डू नॉट हैव टू गो टू एनीबडी इज आश्रम और यू डू नॉट हैव टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। पहले आप अपने अंदर के जो परिवेश है, जो एनवायरमेंट है, इसको पहले आप सेटअप कीजिए। यानी कि शुद्ध चिंता, शुद्ध मन, एंड एट द सेम टाइम अनकंडीशनली प्रे करना, धरती के लिए प्रे करना, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिचुअल एवरी डे, ये चीजों को आपको करते जाना है, रेगुलरिटी मेंटेन करके जाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीज होगा। पहले ये अर्थली वरीज को आपको हटाना होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, मौत, एंड दैट वो आपके शरीर का होगा, आत्मा का नहीं होगा। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप डरो मत। ये जो आपको प्रकृति ने डरा रहे हैं या फिर प्रकृति के माया ने आपको ऐसे करके बांध के रखा है, पहले उस माया के बंधन को हटाओ एंड सरेंडर कर दो कि क्या है, अगर मैं मर भी जा रहा हूं तो मैं तो नहीं मर रहा हूं, मेरा शरीर जो है वो मर रहा है। सो बेसिकली अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम एंड ये जो एट ऑफ वॉन्स है इसको समझो कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे एवरी डे, आधा घंटा एक घंटा, उतना जल्दी आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। सो एक ऑसम स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए वेट कर रहे, बट अनकंडीशनल भी बनना होगा, रेगुलरिटी भी मेंटेन करना होगा, निडर होके चलना होगा, ईश्वर को अनकंडीशनली ट्रस्ट करना है, सिर्फ मांगना नहीं है, दिखाना भी है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। सिंपली आप अपने बॉस को सिर्फ अगर बोलोगे कि आई वॉन्ट दिस सैलरी, आई वॉन्ट दिस सैलरी, ये चाहिए वो चाहिए, तो योर बॉस बोलेंगे कि क्या कर रहे हो आप। तो अगर आप जपा नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। जितना भी आप फूल दे दो, जितना भी आप चंदन दे दो, जितना भी आप मिठाई दे दो, अगर आप ध्यान एंड जपा नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सो डू प्लीज डू स्टार्ट दिस, और आप लोग कर रहे हो, आई थिंक कि अभी नए चेंजेस लेके आए हो और करने ही वाले हो। एंड उसके साथ साथ देखो, जो नीच लेवल के लोग होते हैं वो लोग ये सब ब्लैक मैजिक छोटे मोटे चीजें करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ
टेम्पररी फन या फिर पोजिशंस, बट वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी से भटक रहे हैं। तो अगर कोई आपको ऐसे ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो ये गारंटी है कि ये ब्लैक मैजिक या फिर प्रोटेक्शंस या फिर जो भी ये नेगेटिव चीज़ें था वो आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट, दो कार्ड्स आए हैं, एक है हाई प्रेस एंड दूसरा है क्वीन ऑफ शोर्ड्स। हाई प्रेस मतलब जजमेंटल मत हो जाइए, हम लोग सब लोग ही जजमेंटल हैं, हम लोग हम में से सब लोग ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बायस्ड है, तो ये बायसनेस को आपको हटाना होगा। क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब रैशनल हो जाइए। ऐसे कई बार हम सभी महसूस करते हैं जब भी हम लोग ध्यान करते हैं, स्पेल करते हैं, लॉजिकल माइंड हम लोगों को क्वेश्चंस करते कि क्या इतना ही आसान है। जी नहीं, आप मेडिटेशंस को जो इतना आसानी से सोच रहे हो या फिर प्रेयर्स को इतना आसान समझ रहे हो, ये उतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल ताकत की ज़रूरत होते है। बहुत ऋषि मुनि पास्ट में बहुत कुछ देख के वो हम लोगों के लिए कुछ तत्व को छोड़ के गया है ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सके, वो तत्व को एक्सपेरिमेंट कर सके। तो एवरीडे चैंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही साथ मन के अंदर जो हमारे गुस्सा है, जो खोब है, जो लालसा है, जो सैडनेस है, इसको आपको कट ऑफ करना ही है। एंड ये आप कर रहे हो, साथ ही साथ मिस्टिक पावर डेवलप्ड हो रहे हैं आपके। मैं देख सकता हूँ कि इंट्यूशंस बढ़ रहा है, रिपीटेटिव नंबर्स या फिर बहुत अच्छे स्मेल आप सूंघ पाओगे, बहुत अच्छे डिवाइन टेस्ट आपका महसूस होगा मुंह के अंदर, एट द सेम टाइम स्पिरिट से कनेक्ट कर पाओगे। अगेन ये सब बहुत मुंडन लेवल है, ये ऑलमोस्ट सभी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ऐसा होता है। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि जब भी आप एक लेवल पर जाकर मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे, तब आप देखोगे कि ईश्वर को, ईश्वर की प्राप्ति एंड ईश्वर के प्रेजेंस या फिर आपके जो भी आराध्य देवता है, जब वो आपको राह दिखाएंगे, वो एक डिवाइन प्रेजेंस है और वो चीज़ की बहुत करीब हो आप, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे कि देखिए, अगर आप कागज को जलाते हो तो सारे जल जाते हैं बट थोड़ा सा रह जाते हैं, अगर आप कोयले को जलाते हो तो आप देखोगे थोड़ा सा रह जाते हैं, और वो थोड़े से जो भी चीज रह जाते उससे तुम बाकी काम बहुत आसानी से चला सकते हो। तो स्पिरिचुअल वर्क में थोड़ा थोड़ा करके खामियां रह जा रहे हैं, इस खामियों को एक पूरी तरीके से जलाओ, पूरी तरीके से रिमूव करो, पूरी तरीके से कॉर्ड कटिंग करो। मतलब पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इसके लिए अलग अलग लोग हैं, स्पेशलिस्ट है, उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करो, वो लोग तुम आपको मदद कर देंगे। बट अगर आप स्पिरिचुअली फील करते हो तो सिर्फ ईश्वर ही है आपके गोल्स। जब आप ईश्वर के साथ आएंगे, ईश्वर के सानिध्य पे आएंगे, ईश्वर के करीब आएंगे, तो आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल कर पाओगे। सिमिलरली हाई प्रेस एक पर्पस आपको ईश्वर दे रहे हैं, पर्पस है दूसरे लोगों को मदद करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद के बॉडी को हील करने के लिए। कई कबार आप डर जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि आपको पता नहीं चल रहा कि आप भी हील कर सकते हो, आपके अंदर भी गिफ्ट्स है। अपने गिफ्ट्स को पहचानो, अपने हीलिंग एबिलिटीज़ को पहचानो, अपने अंदर के पावर को पहचानो। आपको कोई टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्पेल कास्टर की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ टाइम बिताओ, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो क्लैरिटी मिल रही है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में। अभी श्री कृष्ण को मैं बोलूँगा कि आप एंड मेरे को गाइड करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट लॉर्ड श्री कृष्ण says. First card, covered soul. हमारे soul covered है किससे? कामना, बासना, गुस्सा, ये सब चीज से पहले uncovered कीजिए। मैंने भी वही चीज indicate किया था। so, ये जो different layer of lust है, इसको आपको cover करना होगा, नहीं तो आप देख सकते हो कि एक बहुत चमकीली मिरर, आईना, उसके ऊपर जब डस्ट पड़ जाते हैं तो कैसा बुरा लगता है, राइट? आपके मन भी उतना ही चमकीला है, उतना ही क्लियर है, बट थोड़ा सा डस्ट
से कवर्ड आप है, उस डस्ट को हटाओ, मन से वो डस्ट को हटाना होगा। श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स सी एनकरेजमेंट। श्री कृष्ण आपको एनकरेज कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, लोगों को मदद करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके सामने आओ, डरो मत। अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो या फिर ऑफलाइन में लोगों को मदद करना चाहते हो या फिर जैसे मतलब आपको अगर फील होता है कि हाँ आपको ये समाज के लिए कुछ करना है तो आगे बढ़ो, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो, दूसरे के ऊपर नहीं। लेट्स सी। एंड यस, किसी को डिस्करेज मत करो, नजरअंदाज मत करो। लास्टली द टाइम ऑफ डेथ। द टाइम ऑफ डेथ मतलब क्या है कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि अगर मरने के टाइम पे भी कोई श्री कृष्ण का नाम को उच्चारण करते हैं तो श्री कृष्ण उसके सोल को प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। वैसे ही वो आपके बहुत करीब है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपको अपना भक्त मानते हैं। वो जानते हैं कि आप कितना संघर्ष सहते हो, आप डेली दूसरों के लिए कितना अच्छे से प्रे करते हो। बट वही चीज़ श्री कृष्ण आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए श्री कृष्ण है। आपके जो आप इस लोक से दूसरे लोक पे जब आप जाओगे तो श्री कृष्ण आपके पुण्य को भी आपके साथ भेजेंगे। सरेंडर कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए अपने स्पिरिचुअलिटी को एंड ग्रो करते रहिए। अनकंडीशनली जजमेंट मत कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा स्पिरिचुअल ग्रोथ 1111, आध्यात्मिक सक्सेस 1111, या फिर आध्यात्मिक सफलता 1111। ऑल द वेरी बेस्ट। Bye bye, take care, subscribe my channel and share this video with your spiritual friends. Bye bye.